का ऐतिहासिक दिन हिंदू जनमानस के आराध्य व कोटि ब्रह्मांड के नायक पर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या स्थित जन्मस्थान पर भूमि पूजन के शुभ अवसर पर युवा समाज सेवी टीम प्रमुख अमित यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रमुख तरुण सोनी व युवा टीम के सक्रिय कार्यकर्ता सुमित राणा सोनी सत्यम कश्यप द्वारा उन्नाव के राम जानकी मंदिर में 111 दीप प्रज्वलित कर व भजन कीर्तन के साथ प्रभु श्री राम के नाम के दीपों को लिखकर हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम की भव्य आरती कर दीप उत्सव मनाया गया तथा दीपोत्सव के पश्चात लोगों में मिठाई व लड्डू बांटकर तथा पटाखे छोड़कर खुशी जाहिर की गई। टीम प्रमुख अमित यादव ने समाज को संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कर्तव्य पालन की जो सीख दी वह आज भी राह दिखाती है। इस सीख से यह राष्ट्र हर दिन हर क्षण प्रेरित होता है और इसलिए वह उनकी जन्मस्थली पर उनके नाम के मंदिर की स्थापना को लेकर पुलकित है। राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी प्रतीक्षा पूरी होना त्रेता युग के राम की कलयुग में एक और विजय है। धैर्य की भरोसे की और आदर्शों पर चलते रहने की जीजी विशा है, क्योंकि यहाँ अधर्म पर धर्म की विजय भी है। इसलिए प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन जन जन को आनंदित करने वाला एक उत्सव है। दीपोत्सव कार्यक्रम के समय अनिल पाल, वरिष्ठ श्री राम प्रताप सिंह, दीपक तिवारी, शशांक मिश्रा, यश शुक्ला, नयन तिवारी व आदि लोग उपस्थित रहे। आज प्रभु श्री राम जी का मंदिर निर्माण का कार्य, भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। हम सभी भक्तगण, सभी लोग इसके साक्षी बने, दर्शक बने। हम भगवान श्री गोकुल बाबा मंदिर मकरवाड़ा उन्नाव की ओर से, मंदिर समिति की ओर से सभी को इस बात की हार्दिक बधाई देते हैं और भगवान श्री राम जी का मंदिर यथाशीघ्र निर्माण हो, दर्शन प्राप्त हों, ऐसी हम सभी लोग अपेक्षा करते हैं। प्रभु श्री राम जी की जय। आशुतोष शुक्ला जी, ये जो अयोध्या में जो शिलान्यास राम मंदिर का हुआ है, इसमें आपके क्या? सदियों से, 500 वर्षों से हिंदुओं की, असंख्य हिंदुओं के पूरे विश्व की जनभावनाओं से पूरे हिंदुओं की सोच थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया है। पूरे हिंदू समाज के लिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व के हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद।